मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आपके वर्जिशें वगैरह जो भी बता रहे हैं उन वर्जिशों को जितना पूरी कोशिश करके फॉलो कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करके पूरी पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। घर में भी सारे सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की मैं भी पढ़ता हूँ 5 वक्त की नमाज अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसी की जाती है आप उस तरीके से समझा रहे हैं। इंसान अगर गुनाह के रास्ते में भी चल रहा है तो वो जरूर पलटेगा जिस तरीके से आप समझाते हैं। अल्लाह ताला आपको हर खुशियों से नवाज दे, हर खुशियों से नवाज दे। मेरा एक सवाल है हजरत जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ग्रोसरी स्टोर है, अल्हम्दुलिल्लाह से बिजनेस चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं जाके कम बरकत नहीं हो रही है, जहाँ को वहाँ कर्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को वजीफा थोड़ा बता दें क्या करूँ मैं। तो वैसे तो मैं पढ़ रहा हूँ फजर की नमाज के बाद भी मैं 129 मरतबा सूरे इनातना पढ़ता हूँ, फिर लैला फी कुरैश 129 मरतबा पढ़ता हूँ, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ता हूँ। फिर आपने ये भी बताया था एक वजीफा आपके वीडियो में, वो भी पढ़ता हूँ मैं, अल मालिको याजुल जलाल वल इकराम वो भी पढ़ता हूँ 100 मरतबा, और या वहाबो 100 मरतबा पढ़ता हूँ, प्लस दूसरा एक और पढ़ता हूँ या रज़ाको। ठीक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशा न्यूयॉर्क से कॉल किया आपने, और जिस अंदाज से आपने इजहार मोहब्बत किया है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, और वाकई मैं अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मेरे कलाम से आप हजरात को अगर नफ़ा पहुँच रहा है और अल्लाह की मोहब्बत के आप लोग करीब हो रहे हैं। और ख़ुदा से कैसे मोहब्बत की जाती है उस सलीके अगर आप सीख रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है वो सलीके अगर आप सीख रहे हैं, वो आदाब आपको अगर मेरे कलाम से मिल रहे हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए ज़खीरा आखरत कोई नहीं है। मेरी बहुत बड़ा ज़खीरा है, मेरे लिए बहुत बड़ा इत्मीनान और मसरत की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे कलाम से आप हजरात के कुलूब को अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब फरमा दें, और ये बंदा अपने जब वो अपने खुदा को पहचान ले, ये ममलूक अपने मालिक का हो जाए, ये मरजूक अपने राजी की राह देखे, अपने राजी के लिए सजदा रेज हो जाए। तो ये चीज़ें अगर आप हजरात को नसीब हो रही हैं तो बस इसका मतलब है कि मकसद जो मेरा ज़िंदगी का पूरा हो रहा है, और रहम टीवी जिस मकसद के लिए मैंने बनाया था कि ये पैगाम जो दुनिया भर में पहुँचे, वो मेरा मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है कि दुनिया भर में लोग अगर इस अंदाज से अल्लाह से मोहब्बत करना सीख रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत महसूस कर रहे हैं, तो गोया कि रहम टीवी की जो बनाने का जो मकसद था वो पूरा हो रहा है। ये मेरे लिए इंतहाई मसरत की बात है, आपकी बातों ने वाकई जो है मेरे लिए बहुत बड़ा इत्मीनान और तसल्ली का सामान किया है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपको भी जारी बातरी बरकत अता फरमाए। जो दुआएं आप मेरे लिए कर रहे हैं मैं भी आपके लिए वही दुआएं करता हूं कि आपको भी अल्लाह तबारक व ताला दीन दुनिया की सारी खुशियां नसीब फरमाए। और बाकी आपने लिखा कि कारोबार के हवाले से तकलीफ़ परेशानी है, तो उसके लिए नोट कर लें, इंशाल्लाह आपका कारोबार जो है वो इंशाल्लाह चलेगा, मुनाफे होंगे, नफ़ा होगा, बरकत होगी। उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 786 दफ़ा 786 टाइम आपने ये पढ़नी है। दिन में कोई भी टाइम रख लें, इशरा चाश का वक्त रखें, 10-11 बजे का तो बहुत अच्छा है, वरना फिर दिन में करना, रात में नहीं, दिन में कोई भी वक्त रख लें, 786 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने पानी पे दम करना है, आधा आधा का पानी जो ख़ुद भी पीना है और बाकी पानी घर के कोनों में छिड़कना है, और आपका ग्रोसरी स्टोर है तो स्टोर के कोनों के अंदर जो छिड़कना है। और ये आपने रोज़ाना 41 डेज़ की नीयत से आप शुरू करना है, 41 दिन ये अमल करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से गैब से आपकी मदद होगी, माली खुशहाली होगी, और आपका जो स्टोर भी खूब चलेगा और इसके हलाल की वसूत होगी और हर तरह की जो है बरकत नसीब होगी। तो मैं दिल की गहराइयों से दुआ भी करता हूँ, तो ये अमल आप भी कर सकते हैं, आपकी अहलिया भी कर सकती है, दोनों मिलके भी कर सकते हैं, वो भी करें आप भी करें, तो ऐसा भी हो सकता है कोई एक शख्स भी कर सकता है, सब इसके अंदर इजाज़त हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल शुरू कर दें, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला बरकत नसीब फरमाए। बाकी न्यूयॉर्क में आप रहते हैं तो मैं भी न्यूयॉर्क में ही हूँ, तो कभी हो तो ज़रूर आप अपना दीदार भी करवाएँ, इंशाल्लाह मुलाकात करें।
तो हमारा जो, मैं तो वैसे हिल साइड एवेन्यू पे हूँ, हमारा यहाँ अलमुनीर कम्युनिटी सेंटर है 195-04 हिल साइड एवेन्यू हॉलिस न्यूयॉर्क 11423, तो ये एड्रेस है। तो आप आके मिलेंगे तो मोहब्बत वालों से मिलने में हमें भी मज़ा आता है। अल्लाह आपको खुश रखे।